नमस्कार दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी लेकर के आई हूँ जो न्यू मदर के लिए बनाई जाती है और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। इसे सब कोई बना कर के खा सकते हैं, बच्चे बूढ़े और सब कोई बना कर इसे खा सकते हैं। तो मैंने किस तरीके से बनाया है और उसमें क्या क्या सामग्री लगती है तो आइए देख लेते हैं। तो ये हम सबसे पहले एक मिक्सी का जार लेंगे और उसमें डाल देंगे अजवाइन, सौंठ, हल्दी पाउडर। इन तीनों चीज़ को हम डाल करके और पीस लेंगे। तो पहले हम थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे और इसका एक पेस्ट बना लेंगे। तो इसे हम खोल लेंगे। तो ये देखिए तीनों चीज़ हमारी पीस गई है। अब इसे निकाल लेते हैं एक कटोरी में। तो ये देखिए हमने इसे एक कटोरी में निकाल लिया है, इसे रख देते हैं साइड में और चलिए चलते हैं गैस की तरफ। तो ये गैस पे हमने एक बर्तन रख दिया है, उसमें डाल देंगे गुड़। तो ये हमने 200 ग्राम गुड़ लिया है। और इसमें पानी डालेंगे तो एक गिलास, और ये दो गिलास, और ये आधी गिलास पानी और डालेंगे, यानी कि ढाई गिलास पानी डालेंगे इसमें। और गैस को ऑन कर देंगे और गुड़ को हम घुलने देंगे। तो ये देखिए गुड़ हमारा घुल चुका है। अभी इसे हम उतार करके रख देंगे साइड में और मसाले हम भूनेंगे। तो अब गैस पे हमने पैन रख दिया है और गैस को ऑन कर दिया है तेज फ्लेम में, और इसको हम थोड़ा सा गर्म हो जाने देंगे। एक चम्मच घी डाल देंगे इसमें, घी को हम थोड़ा सा मेल्ट हो जाने देंगे। जब घी मेल्ट हो जाए तो उसमें डाल देना है मखाना इस तरीके से, और इसे हम भून लेंगे। तो मखाना हमारा भून गया है, इसे निकाल देंगे एक बर्तन में और गैस को बंद कर देंगे। अब फिर से वापस से गैस पे पैन रखना है और उसमें एक चम्मच घी डालना है। घी को इस तरीके से थोड़ा सा गर्म हो जाने देंगे। घी गर्म हो गया है, इसमें डाल देना है ये हमने पिस्ता लिया है, उसको डाल देंगे। गैस को मध्य कर देंगे, तेज गैस से नहीं पकाना है, मध्य गैस से ही मसालों को भूनना है। ये पिस्ता हमारा पक गया है, हमें इतना ही पकाना है, ज़्यादा नहीं भूनना है। अब जो घी बचा हुआ था पिस्ता से उसमें डाल देंगे बादाम, और मध्य गैस पे इसे भी पका लेंगे इस तरीके से। मध्य गैस पे ही सारे मसालों को भूनिएगा, जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं सबको मध्य गैस पे ही भूनिएगा। अगर तेज गैस पे भूनेंगे तो जल जाएगा, क्योंकि ये मसाले बहुत जल्दी पक जाते हैं। तो सारे मसालों को आपको, सारे ड्राई फ्रूट्स जितने भी हैं सबको मध्य गैस पे ही पकाना है, तेज गैस पे मत पकाइएगा, नहीं तो अंदर से क्रिस्पी नहीं होंगे, बाहर से जल जाएंगे, तो बिल्कुल भी टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो इसलिए इस तरीके से मध्य गैस पे इसको भूनिएगा। तो ये देखिए हमारा बादाम भी भुन गया है, इसे भी निकाल लेंगे एक बर्तन में। तो फिर से गैस पे पैन रखना है, गैस को मध्य ही रखे हैं, और एक चम्मच फिर से हमने घी डाल दिया है क्योंकि इसमें घी बहुत थोड़ा सा बचा था। अब इसमें हम डाल देंगे काजू, इसको भी बारीक पीस लिया है, इस तरीके से मैंने कट करा है, इस तरीके से चला लेंगे। गैस तेज नहीं है, बहुत मध्य है, स्लो गैस पे ही भूनना है। तो ये देखिए काजू भी इस तरीके से होने लगी है, गोल्डन ब्राउन होने लगी है, ज़्यादा इनको नहीं भूनना है, इतना ही भूनना है। इसे भी हम निकाल लेते हैं एक बर्तन में। फिर से पैन को रख दिया है गैस में, और फिर से हम घी डालेंगे एक चम्मच। घी मेल्ट हो गया है, इसमें डाल देंगे किशमिश और इसे भी भून लेंगे। ये देखिए किशमिश कितनी जल्दी फूल जाती है और पक गई है। अब हम गैस को बंद कर देंगे, बहुत जल्दी काली पड़ जाती है, और इसे निकाल देंगे एक बर्तन में। अब गैस पे फिर से हमने पैन रख दिया है और इसमें घी नहीं डालेंगे, जितना घी है उसी में भूनेंगे। तो ये हम नारियल को भून लेंगे, इसको हमने घर में ही किसा है। अब गैस को मध्य रखना है, तेज नहीं करना है। जितने ड्राई फ्रूट्स हैं सबको मध्य गैस पे ही भूनिएगा, और एक बार आप बना करके इसको महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं, और जब खाना हो तो थोड़ा सा निकाल करके और उसे गर्म करके खा लीजिए आप। तो ये देखिए हमारी नारियल भी भुन गई है, अब इसे भी निकाल लेते हैं एक बर्तन में।
तो गैस पे हमने कढ़ाई रखी है और गैस बंद करेंगे तेज फ्लेम में और इसमें हम डाल देंगे घी। तो जितना भी घी हमारा बचा हुआ था हमने सारा डाल दिया इसमें। इसमें डाल देंगे खसखस, ये जरूर डालिएगा, इसको स्किप मत करिएगा, बहुत ज्यादा हेल्दी होता है और इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और इसमें डाल देंगे ये जो हमने हल्दी, अजवाइन और सौंठ का पेस्ट बना करके रखा था वो डाल देंगे इसी में। तो जिस जार में हमने पीसा था और इस कटोरी में भी कुछ लगा हुआ था हल्दी वगैरह, तो हम पानी डाल करके इसको पूरा इसमें डाल देंगे और अब अच्छे से इसे हम पका लेंगे। तो ये देखिए हमारा मसाला पक गया है, ये आपको दिख रहा होगा किस तरीके से पका है, बिल्कुल अच्छे तरीके से पक गया है, सूखा हो गया है पूरा अच्छे से। और इसमें अब हम डाल देंगे गुड़, तो जो हमने गुड़ घोल करके रखा था वो डाल देंगे इसी में, पूरा छान लेंगे ताकि कुछ भी इसमें रहे तो अच्छी तरीके से छन जाए। ये देखिए इतना कचरा था इसमें, तो इसलिए हमने इसको डायरेक्ट नहीं डाला है, छान करके डाला है। और अब हम गैस को तेज कर लेंगे। ये देखिए गुड़ में उबाल आने लगी है, इसमें हमें डाल देना है अब यहीं पे ड्राई फ्रूट्स जो हमने तल करके रखे थे, इसे इस तरीके से चला लेंगे। ये मत सोचिएगा कि ज्यादा घी है, घी शरीर के लिए फायदेमंद होता है और ठंडियों में तो बहुत ज्यादा फायदा करता है, क्योंकि सर्दियों में जो होती है तो अपनी जो त्वचा होती है तो रूखी सी रहती है, तो सर्दियों में घी खाना चाहिए। और अगर आप इस तरीके से खाएंगे बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा, बहुत फायदा करता है। नारियल डाल देंगे, अभी हमने गैस को तेज ही रखा है, तेज गैस पे ही पकाइएगा ताकि जल्दी पक जाए, ज़्यादा टाइम ना लगे। तो ये देखिए अच्छी तरीके से हमारा जो हरीरा था वो पक गया है, बस हमें इतना ही करना है, हल्का हल्का चिपक रहा है हाथों में क्योंकि इतना ही चिपकाना है, इसे ज़्यादा नहीं करना है नहीं तो एकदम तार बनने लगेगा, हमें तार नहीं बनाना है बिल्कुल भी, हल्का सा चिपक रहा है। तो चलिए चलते हैं प्लेटिंग की तरफ। ये हमारा बहुत ही टेस्टी और हेल्दी हरीरा बनकर के तैयार है, बनाने में बहुत जल्दी बन जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बगल में छोटी सी घंटी है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारे नए नए रेसिपी के वीडियो आपको सबसे पहले मिले।